आज हेउचे अंतरजातीय जोग दिवस मनर आत्मा के गुटे सूत्रती बांधी थीसी जोग सबुआड़े जोग दिवस चहल पड़ीबार बेलके पश्चिम ओडिशा ने भी इटार झलक देखबाके मिलीचे। 2022 अंतरजातीय जोग दिवस थीम हेउचे मानविकता लागिर जोग। पहला आमा नुआपड़ा जिला के नुआपड़ा शहर पुलिस पड़िया थाने नुआपड़ा जोग समिति आड़ अंतर्जातीय अष्टम जिला स्तरीय जोग दिवस पालन करा जाय छे। जोग उत्सव ने कलाहांडी सांसद बसंत पंडा कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र प्रसाद ढोलकियांकर सांगे छात्र छात्री माने जोग देथिले। सबुदिन जोग कले मनुष्य के रोग छुई नै पारे बोली कहिथिले। 2015 रु सारा विश्व रे जोग दिवस को पालित करा जाउ छे। एटा निश्चित रूप रे भारत रो मान सम्मान को बढ़ाई चली छे एवं शरीर मन बुद्धि आत्मार जदि आमे शांति चाहूँ आमे जदि सुस्थ सबलता चाहूँ आमे जदि हृष्ट पुष्ट रहबापाई जाऊँ आमे जदि विवेक अनुमोदित कार्य करबापाई चाहूँ आमे जदि आत्मिक शांति पाइबापाई चाहूँ आमे जदि आर्थिक सुख शांति समृद्धि पाइबापाई चाहूँ जोग भी गुटे सेथिरे वरिष्ठ एवं विशिष्ट माध्यम जीवन रे जोग अर्थात आसन प्राणायाम जम नियमर अनुष्ठान आवश्यक अटे। तो आमे समस्ते एही अवसर रे संकल्प नेबा ओ जोग को नियमित जीवनर गोटिए अंग रूप रे गढ़ तोलिबा पई प्रयत्नशील हेबा। देवगढ़ ने भी भिन्न भिन्न अनुष्ठान आड़ जोग शिविर अनुष्ठित हेथिला। जिला एसटी मोर्चा आड़ सदर आरबीडी हाईस्कूल परिसर ने जोग शिविर हेथिला। विधायक सुभाष चंद्र पाणिग्राही मुख्य अतिथि हिसाब ने जोग देकरी दलीय कर्मी संगे छात्र छात्री को जोग अभ्यास कराइथिले। गुटे सुस्थ जीवन लागि सबुदिन जोग करबाके कहिथिले। योग कले देह सुस्थ रहे स्मरण शक्ति बढ़े मन भल रहे आमको बेस रोग भैराग भी हुए रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए। सेंता बौद्धने भी अष्टम अंतर्जातीय जोग दिवस पालन करा जाय छे। मुख्य अतिथि हिसाबे अतिरिक्त जिलापाल बबिता रानी दल बेहरा जोग देथिले। जोग कले मनुष्य मानसिक स्तर ने उन्नति आसीथिसि। गुटे सुस्थ समय लागिर सबुदिन घंटे जोग करबा लागिर कहिथिले। स्ट्रेस मैनेजमेंट है सबुठ बड़ समस्या एवं दुई नंबर जिनस है जो बेस मानने कंप्यूटर व्यवहार चली जो आम जो बसुचु से बसवार पोस्चर में आम शरीर में प्राय अंटा पेन बेक पेन ये गोटे कमन समस्या एवं बहुत समय बसापर आम गैस्ट्रिक समस्या ये रही समस्या यही निरंतर प्रत्येक सका सका जोग एक घंटा रु दुई घंटा आम निहाती आवश्यक रही जोग कर। सोनपुर ने भी जोग दिवस झलक देखबा के मिलीथिला। जिलार भिन्न भिन्न अनुष्ठान आड़ जोग शिविर हेथिला। जिलार संस्कृति भवन थाने जिला प्रशासन आड़ अंतरजातीय जोग दिवस पालन करा जायथिला। गुटे सुस्थ जीवन लागिरी जोग करबा के पतंजलि जिला युवा भारत प्रभारी दिलीप त्रिपाठी परामर्श देथिले आर छात्र छात्रिन को योगाभ्यास कराइथिले। शरीर रोगर मल को निर्वाह करिबा पई निर्वापन करिबा पई डाक्तर माने वैद्य माने अछन्ति। आमर चित्तर मल को निर्वापन करने समापन करने जोग निहाती भाव आवश्यक तेणु प्रतिदिन जोग करवा उचित ये आम आंतर्जातिक जोग दिवस उपलक्षे ये आम बार्ता। राउरकेला ने भी सेक्टर 5 ने थिबार हॉकी स्टेडियम ने राउरकेला इस्पात कारखाना आड़ जोग दिवस पालन करा जाय छे। आरएसपी सीओआर कर्मचारी जोग देकरी जोग करिथिले। जोगात लभ्यते स्वास्थ्यम दीर्घायुषम बलम सुख आरोग्यम स्वास्थ्य सर्वान संद्रो जाज्ञमलक स्मृति आमर शास्त्र मानकरे एबे नहीं से माने सब आध्यात्मिक वैज्ञानिक थले से माने आगुरु कहि जाइछंती कुआ जाइछि नतस्य रोगन जरान मृत्यु जहा जे जोग करिवो ताकु रोग हबनी तार जरा अवस्था आसिबनी तार वृद्ध अवस्था आसिबनी तार मृत्यु हबनी तार अर्थ से मृत्युंजय हबो से मृत्यु पर विजय प्राप्त करिवो। समलपुर ने भी सामना के आइला जोग दिवस रो झलक। कुचिंडा सरस्वती विद्या मंदिर परिसर ने हेइथिबार कार्यक्रम ती कुचिंडा पूर्वतन विधायक रवि नारायण नायक शामिल हेइथिले। भल रहबा लागिर सबुदिन जोग करबाके कहिथिले। सेंता बीर सुरेंद्र सायंकर जन्मपीठ खिंडा गाँव ने भी अंतर्जातीय जोग दिवस पालन करा जायछिला। बहुते लोग जोग देबार संगे सीआरपीएफ रो सबु कर्मचारी माने जोग सिखैथिले। जोग माने संतुलन संतुलन रहइबो कहारी प्रति हिंसा रहइबोनी समस्ते सद्भाव रखिबे एवं आउ निजर दिनचर्या से अनुसार करिबे
ଭଲ ହିସାବରେ କରିବେ, କାହାରି ପଇସା ଅଭାବ ରହିବନି, କିଛି ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଆହାର ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକିରି ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରି ଇଏ କଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ। ମଣିଷ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ସାକାର କରିପାରିବ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଆଜି କୁଚିନ୍ଦା ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଆମେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଏଥିରେ ମାତୃଶକ୍ତି ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଣୀ ବର୍ଗ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ରାଜୁ ସାହୁ ନିଜର ଆନିମେସନ୍ ବାଲୁକା କଲା ମାଧ୍ୟମଟି ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍। ନିଜର କଲା ମାଧ୍ୟମରେ ସମକେ ଯୋଗ କରୁନାର ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍। ଆମମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଥିମ୍ ଅଛି ଏ ବର୍ଷର 2022 ପାଇଁ ଯୋଗା ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି। ଏଣୁ ଏଇ ଯୋଗା ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏବଂ ଏଇ ମୋ ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଜଣାଇଛି। ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ନେଇକରି 2014 ଜାତିସଂଘରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। 11 ଡିସେମ୍ବର 2014 ଯୋଗ ଦିବସ ମାନବାକେ ଜାତିସଂଘର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ସେଦିନୁ ସବୁ ବଛର ଜୁନ୍ 21 ପାଳନ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।